हमको यहाँ पे लाइन पे लगा दिया यार। आज हम जाने वाले डेयरी फार्म कम्युनिटी के लिए, बताओ यार। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैसे होता है, और भी बहुत तरह की चीजें देखेंगे, और आपको भी अपडेट कराएंगे कि ये कैसे होता है। हाँ, कम्युनिटी विजिट हमारा टूर स्टार्ट हुआ है, और डेयरी फार्म ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग भी जाएंगे। चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा नजारा होने वाला है, क्या क्या होता है। लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सुधा डेयरी पे, डेयरी पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या माहौल होने वाला है, किस तरीके से दूध पास्चराइज होता है, किस तरीके से दूध की पैकिंग होती है, किस तरीके से क्या क्या होता है, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा अंदर। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का सीन होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बने रहो। हमको यहाँ पे लाइन पे लगा दिया यार। बढ़ने लगेगा तो उसको कम करने के लिए फिर तो हम या तो ठंडा कर देंगे या तो गर्म करेंगे। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो उसका जो ग्रोथ हो जाएगा रुक जाएगा और जल जाएगा। मिल्क स्टोरेज टैंक में ठीक दो तरह का टैंक होता है, RMSD एक होता है, PMSD। जहाँ मिल्क का स्टोरेज टैंक में जो डायरेक्ट आया चीज है उसको ले लिए, और उसके बाद वो जब चार डिग्री हो गया तो हमारा जो ग्रोथ जो खाने को मिलेगा वो कम गया तो हमारा उसका सेल प्राइस बढ़ जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग सेक्शन में यहाँ पे पास्चराइजर लेवल है ना, दोनों लेवल इसको बोलते हैं पास्चराइजर। खराब होता है चीलिंग यहाँ से गया, धीरे धीरे इधर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ होगा। टाइगर हमारा 40,000 का सारा फैट ऊपर चला जाएगा, जो कंज्यूमर को जाएगा तो सारा फैट ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाले को तो मतलब अच्छा नहीं ना है, इसीलिए उसको रिफॉर्म करने के लिए टाइगर लगाते हैं। चल के देखते हैं क्या क्या माहौल है यहाँ पे, आपको तो दिखाई मैंने कि क्या क्या चल रहा है। जैसे गुजरात है वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दूध है वहाँ पे। क्या होता है कि उसी को सीजन हम लोग डिवाइड किए, लीन सीजन एक प्लस सीजन। तो लीन सीजन जब आता है
तो दूध कम हो जाता है और मान लीजिए डिमांड मार्केट से ज़्यादा आ गया तो जो फ्लश सीजन में हम जो दूध इकट्ठा किए थे उसी को क्या करते हैं ना स्प्रे ड्रायर से कंडेंस करके लास्ट में उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पाउडर फॉर्म में करने के बाद फिर मान लीजिए हाई डिमांड आया तो उसी को हम फैट वाटर और जो पाउडर था उसका एक मतलब फिक्स रेशियो लेके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके फिर से उसको मार्केट।